और अब बच्चों पर कोविड वैक्सीन के ट्रायल की अनुमति पटना एम्स को मिल गई है। एम्स में इसी माह के अंत तक 2 से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीन ट्रायल शुरू होगा, जिसको लेकर एम्स प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट की कमेटी के गठन कर लिया गया है। एम्स के नोडल ऑफिसर डॉक्टर संजीव ने कहा है कि कोवैक्सीन का पहला ट्रायल भी पटना एम्स में पहुंचा था और मिली जानकारी के अनुसार सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक के कोविड 19 टीके को कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के लिए ट्रायल की सिफारिश की थी, जिसके बाद अब इसके ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। डॉक्टर संजीव ने कहा है कि DGCI से ट्रायल की हरी झंडी मिलते ही भारत बायोटेक ने पटना एम्स को अनुमति दी है। डॉक्टर संजीव के अनुसार 2 से 18 साल तक के 1000 से 2000 बच्चों पर ट्रायल होगा, जिसको लेकर एम्स प्रशासन ने अभिभावकों से बच्चों को ट्रायल में शामिल करने की अपील भी की है। दरअसल एक्सपर्ट्स ने अंदेशा जताया है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो वो बच्चों के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।